नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कभी भारतीय राजनीति के हसोर चेहरा रहे आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव क्या दिल्ली में बेटी मिश्रा के घर पे बंधक बना करके रखे गए हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उन्हीं के बड़े बेटे तेज प्रताप का कहना है। और वो साफ साफ आरोप लगा रहे हैं कि उन चार पांच लोगों के नाम लेने की जरूरत नहीं है जो आरजेडी चीफ बनना चाहते हैं, उनकी महत्वाकांक्षा से हर कोई वाकिफ है। दरअसल उन्होंने जो अपना छात्र जनशक्ति परिषद बनाया है उसी के कार्यक्रम में बोल रहे थे, और पहले जो उन्होंने संगठन बनाया था उसका उसमें मर्जर कर दिया। इस अवसर पे उन्होंने जम के भड़ास निकाली और बताया कि लालू जी को छूटे हुए जेल से लगभग एक साल हो गए, लेकिन उनको दिल्ली से पटना नहीं आने दिया जा रहा है। और पहले वो बाहर बैठ करके लोगों से मिला जुला करते थे, अब जो है रस्सी बांधी जा रही है, यानी कि जनता से उनको दूर किया जा रहा है। नतीजा ये हुआ कि पार्टी ही जनता से दूर होती जा रही है, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो इसको लेकर के जब खबरें जारी हुई और इसमें उसके बाद बहस होने लगी। देखिए, तेज प्रताप यादव बेबाक बोलते हैं, कई बार ऐसा भी बोलते हैं कि उन्हें खुद नहीं पता होता है क्या बोल रहे हैं। लेकिन जिस तेज प्रताप यादव ने छोटे भाई तेजस्वी का रथ हाँकने का वायदा किया था भरे मंच से कि मैं तुम्हारा कृष्ण, मैं तुम्हें अर्जुन बनाऊंगा, उस कृष्ण और अर्जुन में नहीं पट रही है, ये पिछले दिनों के घटनाक्रम से साफ साफ जाहिर हो चुका है। जिस तरीके से जगदानंद सिंह यानी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे तेज प्रताप की नहीं पटी, ऑफिस में उठा पटक चलती रही, उनके जो है करीबी नेता को पार्टी छोड़ना पड़ा, और तेजस्वी से जब मिलने के लिए गए थे तो तेजस्वी के सलाहकार ने जो उनसे व्यवहार किया था उनके अपने ही घर पे, माँ के घर पे, उस सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, बताने की जरूरत नहीं। तो कहा यह जा रहा है कि तेज प्रताप और तेजस्वी में अब राजनीतिक विरासत की लड़ाई शुरू हो गई है। तेज प्रताप जो लगता था कि पहले सीधे साधे हैं, वो राजनीतिक विरासत में हिस्सा उस तरीके से नहीं क्लेम करेंगे, वो पूरी तरीके से क्लेम कर रहे हैं। और सिर्फ तेज प्रताप और तेजस्वी की बात ये नहीं है, मीसा और बेटियां भी चाहती हैं राजनीतिक विरासत में हिस्सा। यही वजह है कि खबरों के मुताबिक लालू प्रसाद यादव के घर में इस बात को लेकर के कलह है। अभी चूंकि तेज प्रताप बेबाक बोलते हैं इसलिए उन्हीं के हवाले से बातें आ रही है, लेकिन और बातें भी छन छन करके आने लगी है। एक चीज़ आपने गौर किया होगा कि पिछले दिनों चिराग पासवान जब लालू यादव से दिल्ली में मिल करके अपने पिता के आयोजित कार्यक्रम में बुलाने के लिए गए थे, तो उस समय लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि मैं शायद दिल्ली से पटना नहीं आ सकता, आऊँगा तो जरूर शामिल होऊंगा। तो दिल्ली से पटना वो नहीं आ रहे हैं और एक साल हो गए हैं, और तेज प्रताप का ये खुलासा कि उनको बंधक बना करके रखा गया है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। तेज प्रताप दिल्ली उनसे मिलने के लिए गए थे जब झगड़ा बढ़ा था, तो उस समय उनकी मुलाकात हुई थी। मुलाकात होने के बाद आ करके वो चुप हो गए थे, लेकिन पार्टी कार्यालय में जा करके बैठे भी थे। तेज प्रताप ये भी आरोप लगा चुके हैं कि जब कोई पार्टी का कार्यक्रम होता है तो उन्हें आगे रहने से रोका जाता है, सीधा सीधा तेजस्वी यादव पे उनका आरोप है। बेशक उन्होंने अभी भी तेजस्वी का नाम नहीं लिया है और ये भी कह रहे हैं कि नाम लेने की ज़रूरत नहीं, तो आखिरकार वो किसके तरफ इशारा कर रहे हैं? जब तेजस्वी भावी नेता आरजेडी के बताए जा रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं, और अब उनका इशारा ये है कि तेजस्वी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं, इसलिए वो प्रदेश अध्यक्ष का सपोर्ट करते हैं, इसलिए वो तेज प्रताप यादव को किनारे लगाने की कोशिश करते हैं, यही वजह है कि तेज प्रताप को पब्लिक में सामने नहीं आने दिया जाता है, जब कोई कार्यक्रम होता है तो उनको पीछे रखा जाता है, ये सारी बातें वो पहले कह चुके हैं। और अब जो है प्रकारांतर से फिर से उन्होंने ये बात कह करके एक तरह से सनसनी फैला दी है। आपको याद होगा मुलायम सिंह यादव के घर में उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, अखिलेश यादव चाचा भतीजे में जो लड़ाई हुई और जो सौतेली माँ थी उनसे रस्सा कसी रही, अल्टीमेटली क्या हुआ, अखिलेश यादव में सपा की कमान आ गई। ठीक उसी तरीके से जो अखिलेश यादव का अपना झगड़ा था वो सौतेले भाई प्रतीक से था, चाचा उस साइड हो गए थे, लेकिन अल्टीमेटली किसके हाथ में कमान आई, अखिलेश के हाथ में। ठीक उसी तरीके से दो भाई हैं, बाकी बहनें हैं, इन दोनों भाइयों में जो है अब राजनीतिक विरासत को लेकर के लड़ाई है। तेजस्वी को आगे किया गया, तेज प्रताप को पीछे किया गया, वैसे यदि पुरानी व्यवस्था माने तो बड़े बेटे का हक होता है। कहीं ना कहीं तेज प्रताप को ये बात साल रही है कि तेजस्वी को ज़्यादा भाव दिया गया और मुझे कम भाव दिया गया, मुझे पीछे कर दिया गया, मुझे अपना राजनीतिक हक चाहिए, इसलिए चुनौती के अंदाज में बोल रहे हैं कि अब ऐसे नहीं चलेगा, पार्टी ऐसे नहीं चलेगी, पार्टी लोगों से दूर होती जा रही है। तो देखते हैं कि जो पारिवारिक झगड़ा छिड़ा है और जो उन्होंने पिता लालू यादव को बंधक बनाने का आरोप लगाया है, इसके बाद वहां की सियासत, परिवार में जो झगड़ा चल रहा है वो कहां तक जाता है, कैसे जाता है, कैसे समाधान निकलता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।